सुबह का मन्ना, तुम्हारे हृदय में क्या है? जहां एक लड़का है, योना 6 अध्याय का 9 वचन। यदि यीशु के चारों ओर लोगों की बड़ी भीड़ एकत्रित हुई थी, तो भी जब भीड़ को खिलाने की आवश्यकता हुई तो किसी के पास कुछ भी देने को नहीं था। ऐसा लग रहा था कि चेले भी परिस्थिति का सामना करने को तैयार नहीं थे, परंतु एक छोटा लड़का अपना सब कुछ समर्पण करने के लिए तैयार था। उसके पास 5 रोटियों 2 मछलियां थी, जिसे उसने यीशु को दिया। यह एक छोटा लड़का था जिसने इस अनोखे बलिदान के लिए अपने आप को उपलब्ध कराया। कितने करोड़ों लोग हैं जो आत्मिक भूख से तड़प रहे हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों की तलाश में है जो अपना सब कुछ प्रभु के लिए समर्पण कर देता हो। एक जीवन जो सृष्टि के हाथ से सृष्टिकर्ता के हाथ में जाता हो, वह कई हजारों के लिए आशीष का कारण बनेगा। 5 रोटियां 2 इंद्रियों वाले शरीर को दिखाता है, 2 मछलियां आत्मा और प्राण को दिखाते हैं। प्रिय पाठक, क्या आप अपनी आत्मा, प्राण और शरीर को बिना शर्त समर्पण करने के लिए तैयार हैं? यदि वे लड़का स्वार्थी होता तो अपना सब कुछ स्वयं खा लेता तो वह उससे अपनी भूख को भी नहीं मिटा सकता था, परंतु जब उसने अपना सब कुछ यीशु को दे दिया तो उसको कई प्रकार से संतुष्टि मिली। उसकी बलिदान की सेवा, जो उसके दान के उदाहरण के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा होने की बड़ी संतुष्टि का प्रतिफल मिला। जब यीशु ने 5 रोटियों 2 मछलियों को प्राप्त किया, उसने अपने लिए कुछ रखने के लिए बिना उन्हें आशीष देकर तोड़ा तो अपने चेलों को दिया। चेलों ने उसे लेकर लोगों को बांट कर दे दिया और अपने लिए कुछ भी ना रख छोड़ा। हम देखते हैं कि जब सब लोग भोजन खाकर संतुष्ट हुए तो बची रोटियों की 12 टोकरियां शेष बची। प्रिय मित्र, हमें यीशु और उसके चेलों के आत्मा की आवश्यकता है। इस समर्पण की आत्मा ने अनंत सब लोग, बड़ी भीड़, वह लड़का, चेले और यीशु को भी संतुष्टि से पोषित होने के लिए सहायता किया। बड़े बलिदानों का परिणाम ही बड़ी उपलब्धियां हैं। सुबह का मन्ना। गॉड ब्लेस यू।